प्लाजो में इतना बड़ा मोहरा पड़ गया। बहुत मिस करती हूँ मैं गाजियाबाद में मैं आपके हाथ का खाना। हाय YouTube फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। अभी मैंने नहा लिया है, तैयार हो चुकी हूँ, कपड़े वगैरह धोए थे तो उनको डालने के लिए छत पर आई थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग भी अभी कर ही लेती हूँ। आज ये जो मैंने सूट वेयर किया है ये रितिका जी ने ग्रीश के हाथों भेजा था जब अभी ग्रीश लास्ट उत्तराखंड गया था, तो इस सूट मैंने स्टिच करवा लिया। आज पहली बार पहना है, बहुत शुभ दिन है तो मैंने कहा चलो आज इस सूट की शुरुआत करते हैं। तो आज पहली बार पहना है, कैसा लग रहा है बताइएगा जरा कमेंट्स करके। एंड थैंक यू सो मच रितिका जी इतना प्यारा सूट मुझे भेजने के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है खुद का पहना हुआ, और पापा को मम्मी को सभी को बहुत प्यारा लगा ये सूट। वैसे तो गणेश चतुर्थी के बारे में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है उतनी जानकारी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं। अभी शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि आज के दिन ही गणेश भगवान जी का जन्म हुआ था। पहले ये पर्व महाराष्ट्र वाली साइड ज़्यादा मनाया जाता था, लेकिन अभी तो ऑल ओवर इंडिया सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। आज के दिन काफ़ी सारी सजावट की जाती है मंदिरों में, लोग अपने घर के मंदिरों में भी लेकर आते हैं, चौक चौराहे में सब लोग कंट्रीब्यूशन करके उस तरीके से भी गणेश चतुर्थी का जो पर्व है उसको मनाते हैं। तो आज से 10 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है। पहले होता था कि सिर्फ एक दिन ही मनाया जाता था, लेकिन 10 दिन तक अब मनाया जाता है। 10वें दिन फिर उनका विसर्जन किया जाता है। इन 10 दिन के दौरान भजन कीर्तन सुबह शाम होती है, आरती और लड्डुओं का और मोदक का भोग लगाया जाता है गणेश भगवान जी को, क्योंकि उनका पसंदीदा भोग यही है। तो ये सब कुछ इन 10 दिनों के दौरान होता है, पूरा जश्न का मतलब माहौल होता है, हर्ष और उल्लास के साथ उनके भगत उनका ये पर्व मनाते हैं। तो आज हमारे यहाँ जो शिव मंदिर है जहाँ हम डेली जाते हैं, आपने काफ़ी बार देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पंखा बंद कर रखा है मैंने अभी ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए। तो आज वहाँ पर भी गणेश भगवान जी की मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं, वो मैसेज आया था उनका। तो अभी मम्मी और मैं थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे, खुद भी करेंगे। अभी मम्मी और मैं निकल रहे हैं घर से मंदिर के लिए। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, पहले गणपति बप्पा को लेकर आएंगे उसके बाद ही नाश्ता करेंगे। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। पूरे मंदिर में बहुत ही प्यारी तरीके से सजावट की गई है। अभी कुछ देर में गणेश भगवान जी की प्रतिमा आने वाली है जिसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अभी हमारी भगत मंडली निकल रही है यहाँ से गणेश भगवान जी की मूर्ति लेने के लिए। Oh, oh, oh.
स्थान देवता है विनोद सर्वे देव विनोद सर्वे ब्राह्मण विनोद चित्रा आत्मा विनोद कुदार करने विनोद दोनों हाथे सारे पंजे सिद्धि प्रजाता है सिर्फन महागणा ते नमो नमः मेरे प्रभु राम।
सीताराम, हरिओम गणगणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंदिर में भजन कीर्तन समाप्त हो चुके हैं, प्रसाद भी ले लिया है सभी ने। पंडित जी नमस्कार। इतनी सारी भैंसें, सब कीचड़ में नहा कर आ रही हैं ऐसा लग रहा है। इससे पूरे 10 दिन तक लगातार मंदिर में डेली भजन होंगे शाम को 4:30 बजे। जो भी यहाँ नजदीक के रहने वाले विकास नगर वाले आ जाना, मिलते हैं मंदिर में। गणपति बप्पा मोरया। पूरे पूरे टाइम पे घर वापस पहुँचे हैं अभी हम। पापा ने ड्यूटी जाना है, स्कूटी लेकर गए थे। अभी 11:30 बज रहे हैं। मंदिर से जब हम वापस आ रहे थे उस समय मम्मी ने मेरे पाँव की तरफ देखा तो पता लगा कि ये जो मैंने फर्स्ट टाइम सूट पहना है नीचे से थोड़ा सा जल गया है। शायद ये ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। मंदिर में मैंने 2-3 अंटियों ने मुझे बोला कि बहुत प्यारा लग रहा है सूट आपका, शायद नज़र सी लग गई सूट को, पता नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा कहाँ पर जला। मैं तो मतलब आपके पास गई भी नहीं यार, पता नहीं क्या सीन हुआ। तो अभी मैं जब मम्मी को मंदिर से लेकर आ रही थी वापस, तो मम्मी कह रही कि नीचे से कपड़ा अटैच करके इसको पूरा किया जा सकता है। तो जिन आंटी ने सूट को स्टिच किया था उनके घर पे मैंने स्कूटरी रोकी, इतने में मेरा फ़ोन बजने लग गया। हमें ऐसे लगा कि पापा ने ड्यूटी जाना है इस वजह से घर से कॉल आ रही है, लेकिन वो कॉल इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरा पार्सल वाला आ रखा था, कुछ सामान ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर रखा था वो आ रखा। तो मम्मी को मैं फिर वहीं आंटी के घर में छोड़ के आ गई। एक मोड़ आ गई उनका घर जहाँ से पहले भी मैं सूट लेके आई थी जो मैंने जन्माष्टमी में पहना था, तो ये सूट भी उसके साथ ही था स्टिच करने के लिए। तो मैं घर वापस आ गई थी। तो अभी मम्मी देखते हैं घर वापस आएंगी तो पता लगेगा कि सूट का कोई सोल्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता, नुकसान हो गया यार। दिखाती हूँ आपको अभी, ये देखिए प्लाजो में इतना बड़ा मोहरा पड़ गया, पता नहीं कहाँ जला कैसे जला पता ही नहीं लगा इसका रत्ती भर भी। तो भी आज पहली बार ही पहना और उसका मंडाधार हो गया। फिर वहाँ पे बच्चे बताएंगे कि कैसे हुआ था ये। बहुत मतलब कि सोचने का विषय है ये आखिरकार हुआ कैसे दया। कुछ तो बात है यार, मुझे दुख लग रहा है, मेरे सूट का नुकसान हो गया। होप सो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आए इसका। वैसे मम्मी मेरी बहुत दिमागदार है, मुझे उम्मीद है उनसे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगी वो। हाँ जी मम्मी, कुछ हल निकाला आपने? नहीं निकाला। कपड़ा टुकड़ा कह रही, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे से टुकड़े बचे पड़े थे, वो टेढ़ी दो थे, सब फेंक दिए मैंने। अच्छा, वैसे क्या पता किसको क्या पता लगता है। अब कपड़ा अगर है ही नहीं, तो कपड़ा इसके नीचे से लग के टल्ली टाइप सा वो सेट हो जाता, अब कैसे होगा? अरे तो कर दूंगा क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको देखते हैं मम्मी अब दिमाग लगाएंगी, कुछ ना कुछ तो करेंगी। आपको जब भी मम्मी सेट करेंगी आपको दिखाऊंगी जरूर ब्लॉग में, और मुझे पता है मम्मी ने कुछ ना कुछ कर लेना है पक्का। दिमाग दौड़ रहा है मम्मी का। पिताजी जा रहे हैं ड्यूटी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भैन जी। ओके भैया भैया, यहाँ पर डिस्कशन चल रही है मम्मी की विद फ्रेंड। ये देखो तुम पीछे इसका, यार मेरे को तो समझ नहीं आती है। मैंने नहीं सीता उसका सिला। ये देखो अब मैं क्या लगाऊं, यहाँ पर कपड़ा पूछे आई, वो कह रही जो टुकड़े बचे थे मैं फेंक आई। नहीं नहीं माड़ा मोटा तो था, वो बीच जरूर होगा। रत्ती भर भी नहीं है कह रही। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, प्रसाद खा लो मोरया। जय भोले बाबा। इसके साथ घर से निकलते हुए मैंने आपको बताया था कि अभी मैं कुछ खा के नहीं जा रही हूँ घर से, तो मुझे तो बहुत तगड़ी वाली भूख लग रही है। मम्मी खाना खा के गए थे आप? नहीं नहीं, आप भी नहीं खा के गए, तो आपको भूख लग रही होगी? नहीं, नहीं लग रही है। अच्छा, अभी ये क्या कर रहे हो? ये प्रसाद और फूल इकट्ठे एक ही लिफाफे में डाल रखे थे, तो मम्मी प्रसाद अलग कर रही है, फूल अलग कर रही है। मम्मी क्या बना रहे हो खाने में? काले छोले और चावल। काले छोले और चावल, वाओ मेरे फेवरेट, मेरी फेवरेट टेस्टी टेस्टी काले चने की सब्जी। तो मम्मी पहले ही तैयार करके गए थे, सुबह रोटी खाई इसके साथ नाश्ते में सबने, और इसके साथ ही यहाँ पर अभी बन रहे हैं गर्मा गर्म चावल। टन 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 मेरी भावना हंसने की लन, अरे यमी यमी खाना। मम्मी अभी चाची जी से बात कर रही है। सुरेश भाई साहब खाना खाने बैठ चुके हैं। मम्मी आपको आपके हाथ के बने चावल कैसे लग रहे हैं? बहुत बेकार। बेकार लग रहे हैं? क्यों? पता नहीं क्या हो गया, पेट भरा हुआ है? बहुत बेकार। क्यों बेकार लग रहे हैं? क्योंकि खीरा कोड़ा आ गया। खीरा कोड़ा आ गया मुंह में? पता नहीं यार क्या चक्कर है, मम्मी कैसे इतना टेस्टी खाना बना लेती है, मैं तो हैरान हूँ इनको देख के सच में।
मम्मी का हाथ ना चूमने को मन करता है मेरा, इतना टेस्टी खाना, इतना टेस्टी खाना। बहुत मिस करती हूँ मैं गाजियाबाद में मैं आपके हाथ का खाना, सच में। अच्छा, और क्या, मेरे हाथ का खाना वैसे सबको अच्छा लगता है लेकिन मुझे आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है। अच्छा, घर में हम तीन ही जने हैं, तीनों ने अभी खाना खा लिया है, बर्तन साफ किए जा रहे हैं। अभी पिताजी तो सुबह नाश्ता कर लिया था, पिताजी ने सब्जी के साथ रोटी बना दी थी मम्मी ने उनके लिए, तो अभी फ़ोन पे मम्मी बात करनी थी चाची जी से। मैंने उनको कॉल लगाया था, उन्होंने अपने स्टेटस वगैरह लगा रखे थे व्हाट्सअप पे इंस्टा पे कि गणपति महाराज जी घर पर लेके आए हुए हैं। वो मैंने कहा चलो बधाई दे देते हैं गणेश चतुर्थी की, तो उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि लास्ट 3 साल से वो लेकर आ रहे हैं गणपति जी, पहले साल तो उन्होंने घर में ही बनाए थे आटे से, अभी लास्ट ईयर भी मूर्ति लेकर आए थे वो बाहर से, और इस साल भी लेकर आए हैं। तो गणपति महाराज की कृपा भट्ट फैमिली पे, जोशी फैमिली पे बनी रहे, मेरी यूट्यूब फैमिली पे बनी रहे, इंस्टा फैमिली पे बनी रहे, यही दुआ करती हूँ। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया। क्या आप इस सूट को पहचान रहे हैं जो मैंने अभी पहना हुआ है? अच्छा, बना लिया? हाँ, सिलवा लिया, और आज कांड भी हो गया इसके साथ। आज पहली बार ही पहना ही है, वहाँ गए थे ना गणेश चतुर्थी में, मैंने कहा दिन अच्छा है चलो आज ही पहनती हूँ, ये जल गया, पता नहीं कहाँ जला, पता ही नहीं लगा, थोड़ा सा जल गया ये, लेकिन मम्मी कर देंगी ठीक, मुझे इतनी टेंशन नहीं है, मम्मी को टेंशन है कि कैसे ठीक करना है। नहीं नहीं, बहुत बचाव हो गया, वही तो बात है, अगर आग लगी थी तो पूरा सूट भी जल सकता था, कुछ भी हो सकता था, ये गणपति बप्पा की मेहर है कि चलो उतने में छोटे में काम टरक गया। हाय, कैसे हो बेटा? कैसे हो? स्कूल से आ रही है अभी? अच्छा 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 ये जगत मम्मी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, इतना प्यार देते हो तुम। पता है मैं अभी ना आपसे बात कर रही हूँ, मेरे ना मतलब ऐसा अजीब सा नहीं होता है, जैसे मायके की याद आती है अलग सा, वैसा ऐसा लग रहा होता है मुझे सच में। अच्छा चलो बढ़िया है बेटा, अच्छी बात है, इतना प्यार देते हो। जगत मम्मी है, जगत मम्मी, क्यूट मम्मी है, रोने मत लग जाना अब। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को, आज की इस व्लॉग को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, और गणपति महाराज से यही दुआ करेंगे कि विघ्न हरता आप सबके भी विघ्न हर रहे। मम्मी आप भी एक बार सबको बधाई दे दो गणेश चतुर्थी की। मम्मी से बोला नहीं जाता, मैं चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी बधाई हो, बस फीलिंग समझ लेना, मम्मी दिल से आशीर्वाद दे दो सभी को, आशीर्वाद, माँ ने आशीर्वाद दे दिया तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। तो ठीक है गाइस, बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए, और देखते रहिए मम्मी की लाडली अर्जू का चैनल। आइए आहा आहा।